इसी पोएम में थर्ड और फोर्थ स्टंजा, अब तक दो स्टंजा हम कर चुके हैं, सेकंड ये थर्ड और फोर्थ स्टंजा बाकी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी में। सच द सन द मून, अभी कभी यहाँ पर है ना एक लिस्ट बनाता है कि कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें प्रसन्नता प्रदान करती हैं, जिस प्रकार से सूरज है, द मून, चंद्रमा है, ट्रीज, वृक्ष हैं, ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े पेड़ हैं, स्प्राउटिंग ए शेडी मून, छोटे बड़े पेड़ किस तरह से प्रसन्नता प्रदान करते हैं, स्प्राउट का मतलब उत्पन्न करना, शेडी शेड होता है, मून होता है वरदान, कहता है कि है ना एक छाया रूपी वरदान हमारे लिए उत्पन्न करता है, यानी छाया उत्पन्न करता है हमारे लिए ये वृक्ष, और किस लिए, फॉर सिंपल सिप, सिंपल सिप बोली वाली पेड़ों के लिए छाया उत्पन्न करते हैं पेड़, एंड सच आर डेफोडिल्स, और इसी प्रकार से डेफोडिल्स, डेफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, काइंड ऑफ फ्लावर्स जो प्रसन्नता प्रदान करते हैं। तो कहता है डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस हरे भरे संसार में वो रहते हैं वहाँ पर डेफोडिल्स हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। एंड क्लियर रील्स, क्लियर होता है साफ स्वच्छ, रील्स, रील्स होती हैं नदियाँ, सरिताएँ, साफ पानी वाली नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो अपने आप के लिए एक कूलिंग कवर्ट, कवर्ट का मतलब होता है नदियों के साथ साथ छोटी छोटी झाड़ियाँ जो उगी होती हैं उस क्षेत्र को, या छोटी छोटी झाड़ियाँ जिनमें जानवर वगैरह छिपे रहते हैं उस क्षेत्र को कवर्ट बोलते हैं। तो नदी क्या करती है, दैट फॉर देमसेल्व्स एक कूलिंग कवर्ट मेक, अपने लिए अपने आप को ठंडा रखने के लिए एक अपने साथ छोटी छोटी झाड़ियों वाली एक जगह बना लेती है, और किस लिए बना लेती है, गेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, गर्म मौसम के विपरीत। उसके बाद क्या होता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक भी झाड़ियाँ होती हैं, कहता है वन के बीच में कुछ झाड़ियाँ, वन के बीच में जैसे छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, रिच विद, रिच विद का मतलब सुंदर लगना, ए स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग होता है थोड़ी संख्या में, और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम माने खिलना, और मस्क रोज ये रोज़ गुलाब के फूल कुछ डिफरेंट कलर के सच एज वाइट कलर्स। तो कहता है कि जो वन है उसमें कुछ जो झाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं उनके मध्य में, उनके बीच में कुछ सफ़ेद गुलाब खिले हुए हैं, और वो स्प्रिंकलिंग थोड़ी संख्या में हैं, रिच विद, इसी के कारण वो सुंदर लग रहे हैं। सपोज करो बहुत सी झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों के बीच में थोड़ी संख्या में कहीं कहीं गुलाब के फूल खिले हुए हैं, तो कहता है वो भी सुंदर लगते हैं थोड़ी संख्या में हैं जो। आओ इससे आगे चलते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, डोम्स होता है फाइनल डिसीजन ऑफ द गॉड, फाइनल जजमेंट ऑफ द गॉड। जैसे हम सोचते हैं ना कि भगवान, जब आदमी मरता है तो भगवान के पास जाता है तो भगवान उसका इंटरव्यू लेता है, इस तरह से करते हैं मजाक, थोड़ा सा कहते हैं कि जब आदमी मरेगा जाएगा तो भगवान इंटरव्यू लेगा उसका, तो इसी तरह से भगवान कहते हैं आदमी की जब मृत्यु होती है तो फाइनल डिसीजन लिखता है उसके बारे में। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि भाई एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, यानी आदमी के बारे में जब अंतिम डिसीजन होता है वो शानदार होगा, हम कल्पना करते हैं, और किसके बारे में, किस किन के बारे में, अंतिम निर्णय भगवान का शानदार होगा, वी हैव इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड कौन है, माइटी शानदार, शक्तिशाली, जो पावरफुल पर्सन है, जो आदमी जिन्होंने संसार में लोगों के लिए कुछ किया है, उनकी मौत का के बाद भगवान उनका अंतिम निर्णय शानदार देगा, हम ऐसा कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स, लवली सुंदर, और टेल्स कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड, वी हैव हर्ड मीन्स सुनी है जो हमने और पढ़ी है, वो सारी सुंदर कहानियाँ जिनको हमने पढ़ा है या सुना है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक, एन एंडलेस, एंडलेस अनंत, फाउंटेन होता है फवारा, इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इमोर्टल, जो ये होता है ना, क्या होता है इमोर्टल, अरे वो इमोर्टल अमृत, अमृत नहीं होता है इमोर्टल ड्रिंक। तो हम कल्पना क्या करते हैं कि भाई एंड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एक अनंत फवारा क्या करेगा, उस अमृत को पोरिंग, पोरिंग का मतलब डालना, एंड टू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द
हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक माने किनारा। हम कल्पना करते हैं कि है ना वो जो है एक अनंत फवारा हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर अमृत की वर्षा कर रहा होगा, केवल यही हम कल्पना करते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से ये सारी जो सुंदर चीज़ें हैं जिनका कोई वर्णन करता है वो हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाली है, हमेशा प्रसन्नता ही प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, इसको पढ़ना, दो तीन बार वीडियो को देखो, समझो इसको। कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ लो, मेरे पास मैसेज कर दो, सर ये बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा कि ये क्या है, उसका मीनिंग क्या है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, पूछें, आपका राइट बनता है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।